हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दीप क्रांतिकारी। और मेरा नाम है दीप शर्मा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईब्रो को शेप कैसे देते हैं। बहुत इजी होता है हमें आईब्रो को शेप देना, और काफ़ी लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है आईब्रो को शेप देने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ईजी वे में आईब्रो शेप करना सिखा रही हूँ, और आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिए ताकि आपको अपनी आईब्रो को परफेक्ट बना सके। आईब्रोज हमारी मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फिर भी काफ़ी लोगों को ये है आईब्रो नहीं बनाना आता है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखाना चाहती हूँ कि आप भी सीखें, इसे यूज़ करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो उससे पहले, आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखाई दे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आईब्रो को शेप कैसे देखते हैं। आईब्रो हम कई तरीके से बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। कई लोग पेंसिल का यूज करते हैं, मेरे को भी आता है, बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ आईब्रो पैलेट को। तो काफ़ी इजी है इसे भी आईब्रोज को शेप देना। तो इससे मैं शेप देके आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ही आपको इस आईब्रो को शेप दे सकते हैं। तो इसमें एक स्पूली दे रखा है, साथ में एक आईब्रो ब्रशर विद स्पूली है, तो काफ़ी इजी होता है। आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी इजी है इसे आईब्रो को शेप देना। ये देखिए इसकी ब्रश कितना फाइन है। तो आप, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे आईब्रो को शेप देते हैं। बहुत आसान है इससे आईब्रो बनाना। तो चलिए, आईब्रो को शेप देने के लिए हमें ये वाला ब्रो का कलर यूज़ करना है। हमारे स्किन टोन के हिसाब से कलर्स होते हैं, तभी इसमें इतने सारे कलर दिए जाते हैं। फेयर स्किन के लिए ये वाला होता है, और थोड़ा नॉर्मल स्किन के लिए ये वाला होता है, हमारी स्किन के लिए ये वाला होता है। काफ़ी लोगों पर यही, इंडियन स्किन पर यही वाला सूट करता है। तो हमने थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है और हमने सेंटर से स्टार्ट करना है। हमें प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेना है, इसी को आगे फिल करना है। स्पूली की सहायता से हमारे को इसको कॉम करना है। डिफरेंस, अब सेकेंड आईब्रो को भी ऐसे करना है, पहले कॉम करना है फिर मैं इसको बना ले। देखिए परफेक्ट शेप, और बहुत मैसी हो गई है बिकॉज अभी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमें कंसीलर ब्रश की सहायता से अपनी आईब्रो में कंसील करना है। देखिए कितनी बढ़िया शेप आ गई है। अब हम इसमें हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर की सहायता से कितनी इनहेंस हो रही है मेरी आईब्रो। तो देखिए कितना इजी है आईब्रो को शेप देना। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे शेप कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।